नमस्कार दोस्तों, संध्या वेज किचन में आपका स्वागत है। आज मैं गांठ गोभी की सब्जी की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूं, जो कि सर्दियों के मौसम में आती है। सर्दियों के मौसम में गांठ गोभी बहुत आती है और इसकी सब्जी बहुत ही टेस्टी लगती है। तो चलिए सामग्री देख लेते हैं कि क्या क्या लगती है इसमें। 3 आलू ले ली है और ये 3 गांठ गोभी, तो इस तरीके से थी तो मैंने इनका ये पार्ट निकाल दिया है, इन दोनों का। 3-4 लहसुन, 1 हरी मिर्च, थोड़ा सा जीरा, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, गरम मसाला और ये हल्दी पाउडर। 1 प्याज को बारीक काट लिया है, 4 टमाटर, नमक स्वाद के अनुसार और थोड़ी सी हींग। तो चलिए चलते हैं आगे की प्रोसेस में। तो इसको हम गांठ गोभी का ये जो है ये निकाल देंगे इस तरीके से। 2 का हमने पहले ही निकाल दिया है, इसका भी निकाल देंगे। ये हम छिलनी लेंगे और इसे हम छील लेंगे इस तरीके से। ये देखिए हमने इसको छील लिया है इस तरीके से। और इसी तरीके से सारे हम गांठ गोभी को छील करके रख लेंगे। ये हमने गांठ गोभी को छील लिया है और आलू को भी छील लिया है। अब हम इनको धो लेंगे। तो ये एक बर्तन लेंगे और इसमें डाल देंगे इनको, पानी डाल देंगे इसमें और धो लेंगे अच्छे से। ये हमने गांठ गोभी को और आलू को धो लिया है। अब इसे हम काट लेंगे। ये गांठ गोभी हमारी कट गई है तो इसे हम रख देंगे दूसरे बर्तन में और आलूओं को भी हम इसी तरीके से काट लेंगे। गैस में पैन रख दिया है और तेल डाल दिया है। गैस को ऑन कर देंगे तेज फ्लेम में और तेल को थोड़ी देर गर्म हो जाने देंगे। तेल गर्म हो गया है, अब हम इसमें डाल देंगे आलू। आलू को थोड़ा सा हम फ्राई कर लेंगे। देखिए आलू हमारी तल गई है, कलर भी आ गया है, ये देखिए लाल लाल हो गई है। अब हम इसमें डाल देंगे अपनी गोभी, जो हमने गांठ गोभी को काट करके रखा है वो डाल देंगे इसी में। और इसे भी थोड़ा सा इस तरीके से मिला लेंगे। ये देखिए आलू और गोभी हमारी दोनों की फ्राई हो गई है। अब हम इन्हें निकाल लेंगे एक प्लेट में। गैस पे पैन रख दिया है और तेल डाल दिया है। गैस को ऑन कर देंगे तेज फ्लेम में और तेल को थोड़ी देर गर्म हो जाने देंगे। ये देखिए हीट आने लगी है, अब हम इसमें डाल देंगे जीरा, थोड़ा सा इसे चटकने देंगे और डाल देंगे यहीं पे प्याज जो हमने बारीक काट के रखी थी। ये देखिए प्याज हमारी नरम हो गई है, गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब हम इसमें डाल देंगे अपनी हल्दी और इसे भी थोड़ा सा मिला लेंगे, लाल मिर्ची पाउडर इसे भी चला लें इस तरीके से। धनिया पाउडर और इन सबको मिक्स कर लेंगे। अब यहीं पे डाल देंगे टमाटर। हमने टमाटर, हरी मिर्ची और लहसुन को पेस्ट बना लिया है, इसे डाल देंगे इसी में। अगर आप चाहें तो प्याज को भी पीस सकते हैं, मैंने प्याज को इसी तरीके से भूना है तो आप पीस सकते हैं अगर आपको पीसना पसंद है तो। मैं तो इसमें ऐसे ही प्याज अच्छी लगती है तो इसलिए मैंने काट के ही डाला है। और अगर आप प्याज लहसुन नहीं खाते हैं तो उनको स्किप कर सकते हैं। मत डालिए, इसके बाद भी ये सब्जी बहुत अच्छी लगती है। अब डाल देंगे हींग, पर हींग को आप उस टाइम पे डालिएगा जब मसाला पक रहा होता, उस टाइम पे, टमाटर के बाद मत डालिएगा। मैं तो भूल गई थी उस टाइम पे डालना, इससे अब डाली हूँ तो आप ये गलती मत करना। तेल में ही डालना ही तो ज़्यादा अच्छी लगती है। मसाले को हम इसी तरीके से चला चला करके अच्छे से पका लेंगे, छोड़ेंगे नहीं, चलाते रहेंगे, नहीं तो हमारा मसाला जो है वो जल जाएगा। अब हम डाल देंगे गरम मसाला। गरम मसाला हमेशा लास्ट में डालना होता है ताकि इसका टेस्ट अच्छा आता है, और दूसरे पहले डालोगे तो इतना टेस्टी नहीं बनता है। मसाला हमारा अच्छी तरीके से पक गया है, पूरा चिकना हो गया है, इस तरीके से चमक रहा है और ये देखिए तेल भी छोड़ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि पूरा मसाला हमारा अच्छी तरीके से पक चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे ये जो हमने गोभी और आलू को तल करके रखा था। अगर आप चाहें तो ऐसे भी डाल सकते हैं, लेकिन तलने से ना इसका टेस्ट बहुत बढ़ जाता है, मतलब सोधा सोधा सा अच्छी लगती है, सोही सोही सी। तो
तो इसलिए मैं तलती हूँ हमेशा। तो आप भी जरूर इसी तरीके से ट्राई करिएगा एक बार, और अगर आप ऐसे डायरेक्ट डाल देंगे तो टेस्ट तो आएगा लेकिन मतलब उतना नहीं आएगा, सोंधापन नहीं रहेगा। तो इसे तल करके ही डालें। देखिए हमने इसमें पानी डाल दिया है, हमने एक गिलास पानी ऐड करा है इसमें, और गैस को तेज कर देंगे ताकि इसमें अच्छे से एक बार उबाल आ जाए। और डाल देंगे नमक, नमक स्वाद के अनुसार, आप अपने हिसाब से नमक ले सकते हैं, और इसे ढक देंगे, खोलेंगे इसे। एक उबाल आ गई है, अब हम गैस को मंद कर देंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे, नहीं तो जो मसाला है वो नीचे जल जाएगा। तब मंदी गैस पे इसको पकाएंगे ताकि जो हमारी गोभी अच्छे से पक जाए। देखिए खोल करके चेक करेंगे, इससे पहले मैं इसको दो तीन बार चला चुकी हूँ, तो दबा करके हमने चेक कर लिया है कि सब्जी हमारी अच्छी तरीके से पक चुकी है। अब हम इसमें डाल देंगे धनिया की पत्ती, बारीक कटी हुई धनिया पत्ती डाल देंगे और इसे भी इस तरीके से मिला देंगे। ये हमारी बहुत ही टेस्टी गांठ गोभी की सब्जी बनकर के तैयार है। अब चलिए चलते हैं प्लेटिंग की तरफ। ये बहुत ही टेस्टी हमारी गांठ गोभी की सब्जी बनकर के तैयार है, बनाने में बहुत जल्दी बन जाती है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसके बगल में छोटी सी घंटी है उसको दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि हमारे नए नए रेसिपी के वीडियो आपको सबसे पहले मिले।